अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका ज़ारे का जायका किचन में, और मैं बनाऊंगी कद्दू का छीला। तो उसके लिए मुझे चाहिए चावल, जो कि ये देखिए एक पाव है। ये मैं धो के ओवरनाइट रख दूंगी सोख करके, और कल सुबह पीसूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कद्दू का छीला कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ओवरनाइट चावल सोख कर दी थी, और चावल अच्छी तरह से सोख है कि फूल गई है। अब इसको मैं जार में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ चावल को, और मैं इसमें एक प्याज भी काट के डाल दूँगी। मीडियम साइज़ का प्याज डाल दूँगी एक काट के, और उसके साथ साथ ये देखिए दो हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देती हूँ। थोड़ा से जीरा डाल दूँगी, ये देखिए एक तकरीबन 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, और इन सभी को अच्छी तरह से पेस्ट कर लूँगी ग्राइंडिंग करके अच्छी तरह से। तो फिर ग्राइंडिंग करके लाती हूँ। जब तक ये हमारी चावल पेस्ट होती है, मैं इसमें कद्दू गला लेती हूँ। जब तक कुकर में डाल के, ये देखिए थोड़ा सा हल्का नमक डाल के मैं गला लूँगी कद्दू को चावल में ऐड करने के लिए। तो ये कद्दू गला के उसके बाद फिर मैं चावल में ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, वैसे कद्दू अपना पानी छोड़ता है। इसको अच्छी तरह से गला लूँगी। ये मैं अच्छी तरह से कद्दू को मैश कर ली हूँ, अब इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। जो चावल पीस के रखी हूँ उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। हल्दी 1 टीस्पून, और थोड़ा सा और डाल दूँगी। मिर्चा पाउडर थोड़ा ऐड कर दूँगी, हरी मिर्ची भी डाली हूँ, और उसके साथ थोड़ा से गोलकी का पाउडर थोड़ा मामूली डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये नमक स्वाद अनुसार, और उसके साथ साथ मैं ऐड कर दूंगी जो ये मैं धनिया और टमाटर की चटनी पीसी थी ना, वो मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दूंगी।